आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बेटा, सवाल के अंदर f ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए ताकि फलन f ऑफ x बराबर 1/x - 2/e^2x - 1 जहां x 0 के बराबर नहीं है पर सतत हो तथा x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता की जांच भी कीजिए। तो पहले तो हमको क्या दे रखा है कि x बराबर 0 पर फलन क्या सतत, हमको क्या दे रखा है x बराबर 0 पर फलन सतत है। अगर x बराबर 0 पर फलन सतत है तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि f ऑफ 0 जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस बिंदु पर फलन की सीमा के बराबर होगा, है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के बराबर होगा। यहां पे h की जगह हम क्या लिख देते हैं x, इसके बराबर हो ठीक। इसका मतलब ये हमारा, हमको क्या करना है, इस फलन की x बराबर 0 पर सीमा निकालनी है और वही हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 0 पर मान करेगा। अब हम क्या निकालने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कितना दे रखा है देखो, 1/x माइनस 2/e^2x माइनस 1, ये हमको दे रखा है। तो यहां से हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेके हम इसको हल कर लेते हैं। तो लिमिट क्या आ जाएगा, x 0 की तरफ जा रहे हैं और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x गुणा e^2x माइनस 1। तो यहाँ क्या बचेगा, e^2x माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा माइनस का 2x। अब देखो इस सीमा को हल करने के लिए मैं किसका उपयोग कर रहा हूँ, विस्तार का उपयोग कर रहा हूँ। तो हमको पता है चूंकि e^x का विस्तार क्या होता है, 1 + x + x^2/2 + x^3/3 --. तो अगर इसी तरह से मैं e^2x का विस्तार लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 2x + 2x^2/2 + 2x^3/3 --. तो इसी विस्तार का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट x 0 की तरफ जा रहा है, e^2x का विस्तार कितना हो जाएगा, 1 + 2x + 2x^2/2 + 2x^3/3 +. ये तो आ गया e^2x, यहाँ पे क्या लिख रहा है, -1 और -2x ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला का विस्तार भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे इसका विस्तार करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + 2x + 2x^2/2 + 2x^3/3 +. और -1 और लग रहा है। अब देखो इसको क्या कर देते हैं, हम हल कर देते हैं। तो लिमिट क्या आ जाएगा, x 0 की तरफ, देखो चलो ऊपर 1 से 1 कट जाएगा और 2x से 2x कट जाएगा, नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 से 1 अंदर ही अंदर कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा हमारे पास, 4x²/2 + 8x³/3 और प्लस आगे x की उच्च घातें आ जाएंगी ठीक। और बटे में क्या आ जाएगा, अगर इस x को हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x^2 + यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4x³/2 ठीक, और आगे x की उच्च घातें आ जाएंगी। अब इसमें क्या कर रहा हूं, चलो मैं x² क्या बताओ, ऊपर नीचे उच्चतम क्या है, सबसे छोटी घात है, एक्स स्क्वायर का मैं ऊपर नीचे भाग दे रहा हूँ। जब एक्स स्क्वायर का हम ऊपर नीचे भाग दे देंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8x/3 और यहाँ पे x की उच्च घातें आ जाएंगी और बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 4x/2 और x की उच्च घात। अब इसमें हम लिमिट का मान रख देते हैं, तो ये देखो जितने भी x वाले पद हैं वो सभी तो 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2/2 और वो कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारे क्या आ गया, लिमिट का मान आ गया। अतः f ऑफ 0 भी कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है कि f ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है कि x बराबर 0 पर फलन की अवकलनीयता की जांच भी कीजिए।
अवकलनीय की जांच करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलएचडी और आरएचडी। तो मैं आपको आरएचडी निकाल के बता देता हूँ, एलएचडी उसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो आरएचडी को मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ डैश जीरो प्लस, और वो कितना होगा, लिमिट एच जीरो की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और बटे में एच। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच जीरो की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच को हम क्या लिख देंगे, तो एक बार हम फलन देखना पड़ेगा हमको ऊपर से, तो फलन क्या है, चलो एक बटे एच और दो बटे ई की घात दो एच माइनस एक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बटे एच माइनस दो बटे ई की घात दो एच माइनस एक और माइनस एफ ऑफ जीरो का मान कितना है, अभी अभी लिखा है, निकाला है हमने कितना, एक के बराबर, और बटे में कितना आ गया, एच, बटे में कितना आ गया, एच। देखो यहाँ से हम दोबारा से क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम लेने के बाद हमको क्या मिलेगा, e की घात 2h माइनस 1 माइनस 2h और माइनस h गुणा e की घात 2h माइनस 1, और मुझे लघुत्तम है वो नीचे आके कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर e की घात 2h माइनस 1। अब फिर से हमको क्या करना है, इसका विस्तार करना है। तो देखो विस्तार किस तरह से किया जाएगा, मैं यहाँ पे इसका विस्तार यहाँ पे देखो इस तरह से कर देता हूँ, लिमिट एच जीरो की तरफ जा रहा है, अब e की घात 2h का विस्तार करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2x, x की जगह में यहाँ पे h लिख देता हूँ क्योंकि हमारा h चल रहा है, तो 1 प्लस 2h, ठीक, प्लस 2h की घात 2 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस 2h की घात 3 बटे फैक्टोरियल 3, ठीक है, और प्लस डैश 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 माइनस 1 माइनस 2h और माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है, एच गुणा ई की घात 2h माइनस 1। इसका विस्तार मैं अभी कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले पद में कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या आएगा, एच स्क्वायर, और इसका विस्तार करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 2h प्लस 2h का वर्ग बटे फैक्टोरियल 2 और प्लस डैश 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 डैश, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स एच की उच्च घातें आ गई। देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखो एक से एक तो ये कट जाएगा, एक 2h से 2h कट जाए, ठीक, तो मैंने यहाँ पे देखो इसको थोड़ा हल करके लिख लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा हमको 2h का वर्ग, ठीक, और यहाँ मिलेगा हमको प्लस 8h की घात 3 और फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6 और प्लस डैश 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 माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, h 1 प्लस 2h प्लस 2h का वर्ग और बटे में 2 फैक्टोरियल और प्लस डैश 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 और माइनस का 1। और देखो हर में क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस एक और आ रहा था, तो देखो एक से एक ये कट जाएगा, एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से देखो h को अगर मैं ओहेनिस ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, h की घात 3 और नीचे बच जाएगा 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, चलो 4h बटे 2 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो एक से एक जो है ये कट जाएगा, है ना, और अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, तो मैं इस विस्तार को तो जो का त्यों रखते हैं हम लोग, 8h की घात 3 बटे 6 और प्लस डैश 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 माइनस, इसको मैं h को अंदर ले जाता हूँ तो क्या मिलेगा, 2h की घात 2, ठीक, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4h क्यूब हो जाएगा, है ना, 4h क्यूब बटे 2 फैक्टोरियल और प्लस डैश डैश डैश, ठीक, और बटे में कितना है, चलो बटे में तो जो है वो वही रह जाएगा, एच की घात 3 2 प्लस 4h बटे 2 फैक्टोरियल। अब आप देखोगे तो 2h स्क्वायर से 2h स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो देखो एच क्यूब जो है वो मान लो हमारा पूरी में से क्या आ जाएगा, वेनिस्ट आ जाएगा, तो एच क्यूब के साथ मेरा क्या मिलेगा हमको, 8 बटे 6 माइनस 4 बटे 2, और फिर उसके बाद क्या मिलेंगी, h की उच्च घात, h की क्या मिलेंगी, उच्च घात, ठीक, और नीचे भी हमारी सबसे जो छोटी घात है वो क्या है बताओ, h की घात 3 है, तो h की घात 3 और 2 प्लस 4h बटे 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो देखो ऊपर नीचे से h की घात 3, h की घात 3 कॉमन आगे कट जाएगा, तो हमारे पास अब क्या मिलेगा, लिमिट एच जीरो की तरफ यहाँ पे मिल जाएगा, इसको हल करने पे क्या मिलेगा, 8 माइनस 12 बटे 6, ये तो मिल गया ये, और प्लस अब डैश 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 के अंदर क्या मिलेगा, एच की उच्च घात,
एच की कौन सी घातें मिलेंगी हमको, उच्च घातें मिलेंगी, ठीक। और नीचे से एच क्यूब जब कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 2 + 4h / 2 ⋅ ……। अब इसमें h बराबर 0 हम लिख देंगे, तो h बराबर 0 लिखते क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 4/6 और बटे में मिलेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4/12, दैट इज कितना आ गया माइनस का 1/3। और इसी प्रकार यदि हम LHD को निकालें, यदि इसी प्रकार हम LHD निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी -1/3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है LHD बराबर RHD, LHD बराबर क्या मिल रहा है RHD। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 0 पर फलन जो है हमारा क्या होगा अवकलनीय होगा, फलन क्या होगा हमारा अवकलनीय होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का हल। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।